एनआईए ने गुरुवार को सुबह श्रीनगर हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलालुद्दीन के बेटे सैयद शकील अहमद को उनके घर से गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी उनके आतंकी फंडिंग मामले को लेकर हुई है। ये बहुत ही अहम गिरफ्तारी है। एनआईए के माध्यम से पिछले 2-3 साल से ये बेनकाब हो चुका था। बड़े पैमाने पर ये पाकिस्तान से फंड हासिल करता था, सऊदी अरेबिया से करता था, पाकिस्तान के हाई कमीशन से करता था और अनेकों आतंकवादी गतियां विधियों के साथ जुड़ा हुआ था। स्टोन पेल्टिंग में, स्कूल के बदलिंग में, बैंक के लूटिंग में, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमलों के अंदर पेट्रोल बम ग्रेनेड के दिए, और जो अलगवादी हैं अलगवादों को भी वादियों को भी ये फंडिंग कर रहा था। इस ये चीज़ एनआईए को पिछले 2-3 साल तक से मालूम थी। मुझे सिर्फ अचंभा ये है कि हमने 2 साल क्यों लगाए इसको गिरफ्तार करने के लिए। अगर ये गिरफ्तारी पहले कर दी होती तो बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवाद के ऊपर शिकंजा कसा गया होता। बेटर लेट देन नेवर। अभी जो अलगवादी हैं वो भी बेनकाब हो चुके हैं। यल्सन मलिक को समन्स कर दिया गया है। अभी समय आ चुका है मिरवाइज को और सैयद शाह गिलानी को भी समन दिए जाए और उनको हमेशा हमेशा के लिए वैली से लग किया जाए। उसके बिना वहाँ पे आतंकवाद को रोकना जो है काफ़ी मुश्किल होगा।